नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफिल मिरर, हर पल आपके साथ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा यहाँ के धरती पुत्र बामा पदोपौरी जी जो इनको सुशांत सिंह गुप्ता का यह मैं बिगड़ना था उन दिन हम धंधा चाह रहे थे और यहाँ के बड़ा मामू अजय कुमार सिंह सभी लास्ट उठाई में लड़ के काम कर रहे थे। मैंने अजय कुमार सिंह के मुंह में थप्पड़ मार करके उस लाश को गाड़ी से उतारने का काम किया। ये मेरा साथी था और मेरा क्रांतिकारी नेता था। प्रिय साथियों, आज आज ये मैदान वालों को यहाँ के जनता ने वोट देने काम करता है, एमएलए बनाने का काम करता है। क्या सोचना चाहिए कि दो आदमी ये राजनीति जो मदद कर सकता है और उसको यहाँ पर एमएलए बनाने का काम करता है, इससे बड़ा दुखद बात किसी को नहीं है। आज यहाँ पर बहुत सा नेता जो यहाँ के गांव वालों के नेता अमित त्यागी से लेकर गोपाल बारी और सुशांत सिंह के तमाम नेता लोग मना हुआ फिर भी राज जाना यहाँ पर एमएलए बनते गया जो मेरे स्थानीय आयुक्त चटर्जी ईसा जी इसी के हमारे विधायक नेता साथी धर्मीधर मंडल जी आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। धन्यवाद। आज श्रद्धांजलि इनको हम लोग दे रहे हैं। उससे फिर मुझे आज भी याद है उनका नारा था जल दो या जेल दो। वो क्रांतिकारी नेता उस समय हिंसा को हिला कर रहे थे। मैं देखा था सन 2000 में जब फुलटन मंडल जी चुनाव लड़े थे और उस काउंटिंग में मैं भी वहां पर मौजूद था अपन अभिकर्ता के रूप में और सुशांत सिंह गुप्ता वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन जादव का लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी और जबरदस्ती हमारे सुशांत सिंह गुप्ता जी को चुनाव हराकर रुदास चरण जी को चुनाव जिता। निश्चित रूप से उसे आज पीर को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ इस अवसर पर हम लोग आकर के कभी कभी बहुत विचार करना पड़ता है कि इस तरह की परिस्थिति में ये जो निरसा चल रहा था इसके पीछे कारण क्या है। जब हम कई बातों पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि ये जो विचारधारा है ना, वास्तव में विचारधारा ही खतरनाक है जो व्यक्ति को हत्या के लिए प्रेरित करती है। और जो विचारधारा हत्या के लिए प्रेरित करे, जिस विचारधारा में हिंसा बढ़े, जिस विचारधारा में समाज बिखराव की ओर जाए, जिस विचारधारा की राजनीति केवल हिंसा के आधार पर हो, तो अब समय आ गया है कि उस विचारधारा को यहां से उखाड़ करके फेंक दिया जाए। और हम सब जानते हैं कि केवल निरसा नहीं, ये विचारधारा जहां भी है, ये अभी केरल में है तो केरल में इसी प्रकार की हिंसा की राजनीति चल रही है। जो विरोध वाले लोग हैं उसकी हत्या कर दिया जाए, ये उनको बड़ा आसान लगता है। लेकिन मेरा इसमें अलग मानना है कि विचार व्यक्ति पर आधारित होता जरूर है, लेकिन वो व्यक्ति के कारण से नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को मार करके कोई सोचता है कि हम अपना काम कर दिए, तो कभी कभी जिंदा व्यक्ति से जो शहीद हुआ व्यक्ति रहता है वो उससे ज्यादा मजबूत होकर के काम करने लगता है। क्योंकि इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है यह परमात्मा का अंश है और परमात्मा को कोई मार नहीं सकता, जीवात्मा को कोई खत्म नहीं कर सकता।
ये हत्या करने वाले को हमेशा ध्यान में रख के और सोचना चाहिए। लेकिन जिस विचारधारा में हिंसा की राजनीति चलती थी उसमें जीवात्मा परमात्मा आत्मा इसका कभी विवेचन होता ही नहीं है। उसमें केवल एक ही विवेचन होता है कि हमारी बात गलत हो या सही, यदि कोई मान रहा है तो वो ठीक है, और यदि गलत बात का कोई विरोध कर रहा है तो उसको अपने रास्ते से हटा दो, बस यही एकमात्र उद्देश्य लेकर के। और वो खतरनाक विचारधारा आज तक निरसा की धरती पर काम कर रही थी। मैं वैसे सभी लोगों को चुनौती देता हूं कि बाज आए इस तरह की राजनीति से, इस तरह के विचारधारा से। दुष्टता की एक सीमा होती है और राजनीति इतने नीचे स्तर पर गिरेगी और राजनीति में इतने नीचे स्तर तक गिर करके और हम केवल एमएलए बनेंगे एमपी बनेंगे तो ऐसा एमपी और एमएलए बनने का धिक्कार है, चुनौती भी है। और चुनौती क्या है कि हम बाहर वाले से थोड़ा कम लड़ते हैं और अपने अंदर जरा ज्यादा लड़ाई करते हैं। इसलिए बाहर वाले से कैसे लड़ करके हम इस विचारधारा से पर जीत हासिल कर सकें इसके बारे में थोड़ा बढ़िया से विचार किया जाए। देखिए इस देश में जब मोदी जी का शासन नहीं था तो देश की राजनीति जातिवाद के आधार पर चलती थी, देश की राजनीति वंशवाद के आधार पर चलती थी, देश की राजनीति संप्रदायवाद के आधार पर चलती थी, देश की राजनीति पता नहीं किन किन कारणों से जनता को गुमराह करके चलाई जाती थी। लेकिन जिस दिन से मोदी जी का शासन इस देश में हुआ उस दिन से जाति खत्म हो गया, संप्रदाय खत्म हो गया, अब केवल एक ही काम इस देश में चलता है और वो एक तरफ राष्ट्रवाद है और दूसरी तरफ विकासवाद। विकास के साथ राष्ट्र को जोड़ करके, राष्ट्र के साथ विकास को जोड़ करके। और मोदी जी ने जिस तरह की राजनीति की शुरुआत की तो जो जो लोग तंबू गाड़ करके जातिवाद का राजनीति करते थे, जो लोग तंबू गाड़ के दुकानदारी करते थे संप्रदायवाद का, जो लोग तंबू गाड़ करके और नाना प्रकार की राजनीति करके एक दो सीट किसी तरह से जीत जाए इसकी चर्चा करते थे, ऐसे सारे लोगों का दुकानदारी बंद हो गया। श्री फूलचंद पंडित जी हमारे बीच में आए हैं, हम इनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। माननीय विधायक सिंदरी है उसको बरगलाता है एन केन प्रकार। कुछ दिन पहले हम लोग एक धरना भी बैठे थे कि गो तस्कर है, ये है, वो है, किसी तरह किसी को भी किसी तरह फंसा दे लोगों। इसलिए क्योंकि निरसा में ये कर सकते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र है, मेरा यहाँ शहरी क्षेत्र है क्योंकि वो भी ग्रामीण था, हम लोग शहरी क्षेत्र घोषित करके शहर में है। और दो दो बार दो पटकनिया उनका चर्चा कोई नहीं है, संतु चटर्जी दो बार हारे। तो हम चाहते हैं कि निरसा के जनता को भी कमर कसना होगा, इस बाहुली ने इस बाहुबली ने दो बार उनको पटके, आप लोग भी चाहते हैं कि निरसा की धरती में उनको पटके और निरसा की धरती में भगवा का झंडा हो और देश में सबसे बड़ी पार्टी में आप अगर जुड़े हैं तो उसका कर्तव्य निभाए। आज देश में नहीं दुनिया में हम लोग सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हैं और एक एक कार्यकर्ता क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। और जहां लेनिनवाद और माओवाद का पार्टी आता है, जहां टुकड़े टुकड़े गैंग जो कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में ये जहां उनको समर्थन करता है उनको यहां से खदेड़ना है। और हम लोग चुटकुंडा से खदेड़ चुके हैं, बस निरसा में ही है उसका जमावड़ा। अब यहां से आप लोग कब खदेड़िएगा ये हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब जब एक ही मंच में आए हैं वोट हमारी राज तुम्हारी नहीं चलेगी। मैं अपने समाज से आग्रह करता हूँ, मैं दलित परिवार से आग्रह करता हूँ, सबसे ज्यादा वोट दलित का है और दलित बरगलाए नहीं क्योंकि दलित का वोट से ही जीतते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि आप लोग सजग रहिए। हर दम हम लोग को बेचने का काम किया, ये 500 रुपया में वोट खरीदते हैं और 5 करोड़ में वहां बेचते हैं। राज्यसभा में बीजेपी को वोट देता है और विधानसभा में बीजेपी का एग्रेस बताइए बतियाता है। तो बताइए यहाँ की अगर विकास चाहिए
तो यहाँ का जनता को, यहाँ का जनप्रतिनिधि को बदलना पड़ेगा। और नहीं तो चिरकुंडा का विकास देखिए, चिरकुंडा में प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे झारखंड में हमने फर्स्ट किया। आज धनबाद के बाद अगर टाउन हॉल 4 करोड़ की बन रही है तो मेरे चिरकुंडा में बन रही है। मैरिज हॉल, मैरिज हॉल का हमने 2.5 करोड़ का भी उद्घाटन करवा चुका सांसद महोदय को करकन्नू द्वारा। और इतना ही नहीं, वह वृद्धाश्रम आश्रय के लिए सब चीज बना हुआ, एवरीथिंग। हम लोग चाहते हैं पानी का जो समस्या है, ये पानी का समस्या चुनाव में बहुत एक मुद्दा बना के रखा था। और वो तो चाहता नहीं था कि चिरकुंडा में जलापूर्ति योजना जो 37 करोड़ की योजना है उसको किसी तरह बाधित करना। हमें आदिवासी महिलाओं से, 5,000 महिलाओं से, आदिवासी महिलाओं से घिरवा कर हमें लज्जित करने का कोशिश किया। लेकिन हम लोग चूंकि मूल निवासी है, हम लोग को जानता है, हम लोग बाहुरी बाहुबली है, हैं उन लोगों को जब अपना भाषण के माध्यम से जब उन लोगों को ब्रीफ किया कि 30 साल में बाप बेटा ने क्या किया। अगर विधायक को 5 करोड़ एक साल में मिलता तो 30 साल में 150 करोड़ का किया गया। क्यों नहीं आपके यहाँ चापाकल में पानी का व्यवस्था नहीं किया? हमने 5 साल में जो करके दिखाया 30 साल में बाप बेटा ने किया। मैं इस मंच के सामने चैलेंज भी करता हूँ कि चिरकुंडा में 1 भी 50 लाख का काम विधायक का दिखा दें, मैं आज ही इस्तीफा मारने के लिए रेडी हूँ। 1 भी 50 लाख का योजना नहीं है, हमने तो करोड़ों का दिया। और मैं एक ऐसा चेयरमैन हूँ जो विधायक को धरने में बैठाता हूँ। आज विधायक जी हमारे साथ एक बैठे हुए फूलचंदा, उनका भतीजा है, जरा भतीजा अगर मिलेंगे तो बोल भी दीजिएगा कि हम धरना में बैठाने का काम करते विधायक को। बाहुरी मने बाहुबली, अरे बारे भूल बनना है, मिस्टी जलते मन कर दो, सरसों में भूत, अब सरसों में भूते नहीं रहेगा, अब हम अग्निमान मारेंगे, सला सरसों ही नहीं खरीदेंगे। इसलिए सबको मैं कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि सबसे ज्यादा हम लोग हैं, लेकिन हम लोग को एक बार भी देखिए 30 साल में जो जो इस पार्टी से रहा है, आप गिनती कर लीजिए, जो जो इस पार्टी से रहा सब पर ऊपर केस हुआ। ये खूनी राजनीति करते हैं, कहीं मर्डर होना, कहीं एक्सीडेंट होना, कहीं लाल झंडा जाके फैक्ट्री में गाना, यहाँ कल कारखाने सारा चीज बंद है। अगर विधायक भी चाहते हैं तो यहाँ के सभी को ITI करवा के नौजवान को रोजगार से जोड़ देते हैं। 30 साल में कम से कम 30 लड़कों को पढ़ा के आगे बढ़ा देते, जो हम लोग ने किया, हमारे सरकार ने किया। स्किल डेवलपमेंट में हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के तहत और दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत हम लोग ट्रेनिंग दिए सभी महिलाओं को, SHG को 10-10 हजार अनुदान राशि दिए और रोजगार से जोड़े हैं। कम से कम रोजगार से जोड़ना चाहिए। आज एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आज निशा का विकास देखे, चिरकुंडा का विकास देखे, वहां लगता है कि हाँ शहर है, पैसा रोटेशन हो रहा है, सब खुश है। आज यहाँ का कितना बड़े कल कारखाने, यहाँ कोयला इतना सब पूरी मात्रा में कोयला है, आउटसोर्सिंग भी है, लेकिन यहाँ विकास नहीं झलकता है। इसलिए यहाँ विकास के लिए अच्छे जनप्रतिनिधि चुनिए, अच्छे जनप्रतिनिधि लाए और BJP को जिताइए, ताकि देश में नहीं दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। हम लोग इस बार चाहेंगे कि 65 पार होंगे। कल हमारे नड्डा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अमरदास चंदन गैरी के यहाँ आए थे और जोरदार जन सैलाब हुआ और मीटिंग हुआ, और मीटिंग में यही बात हुई कि 65 पार इस बार हम लोग करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। चलिए मैं इस मंच के माध्यम से सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग पूजा, क्योंकि आज सप्तमी के दिन है और पूजा के अवसर पर आप लोग माँ दुर्गा की शक्ति के रूप में आप लोग उभर कर आए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह संगठित रहे और आगे बढ़े और अपने निरसा में नए विधायक का चुनाव करके निरसा में BJP का सरकार बनाए और देश में नहीं दुनिया में हम लोग सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है तो निरसा में भी रहेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिस दिन इनका मर्डर हुआ उस दिन इत्तेफाक से हम लोग धनबाद से आ रहे थे और मैं पल्सर गाड़ी में था, मोटरसाइकिल में, देखते देखते हमें मोटरसाइकिल लेके इस साइड से घूम के जाना पड़ा, क्योंकि इतने पॉपुलर थे, इतने गरीबों के मसीहा थे, जेल दो या जल दो इनका आंदोलन था, और आज तक जल चिरकुंडा में मिला लेकिन आज तक निरसा में जल नहीं मिला। और ये जलापूर्ति योजना, ये जलापूर्ति योजना जो आपके यहाँ 400 करोड़ की लगी हुई है, ये जलापूर्ति योजना उनकी सरकार की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी रघुवर सरकार की है, मोदी जी की सरकार की है, ये DMFT फंड से पैसा है।
ये उनके विधायक फंड से नहीं है, ये डीएमएफटी फंड जो खनन जो यहाँ हो रहे हैं कोयला का, उसका टैक्स आता है, उस टैक्स का पैसा से यहाँ का जलापूर्ति योजना लगी है। और ये जलापूर्ति योजना यहाँ के जितने भी ग्रामीण बस्ती है वो जलापूर्ति योजना के में लगेंगे। और ये डीएमएफटी फंड हो या अनामृति योजना हो या किसी भी योजना हो, कोई भी झारखंड सरकार की योजना हो, ये जाके शिलान्यास करना करने के लिए चल जाते हैं और बताते हैं कि मेरा योजना है। मैं इस मंच के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना जब बन रही थी कुछ ऐसे ही रंगा सियाद जैसे नेता बोलते थे कि प्रधानमंत्री आवास हम बना रहे हैं, इसलिए जब हम देखे कि ये बोला हम बना रहे हैं तो हम नेम प्लेट लगाना शुरू कर दिए। अध्यक्ष का नाम, नगर विकास का नाम, उनका नाम ही नहीं। हम लोग क्या हो रहे बोल रहे थे कि दूसरा पार्टी बना रहा है, जीएमएम बना रहा है, लाल पार्टी बना रहा है, तब नाम तो कहे नहीं है। तो ये गरीब को बरगलाना चाहता है, अपने समाज में कम पढ़े लिखे लोग हैं, उसका उसको उसको ये करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, उसको बेच देते हैं लोग। ये लोग चाहते हैं इस बार कि राजनीतिक में विधानसभा में अगर 425 गांव है तो 215 गांव बावरी का है और हर बावरी दलित बस्ती में मैं जाऊंगा और इस बार आर पार की लड़ाई होगी। चितकुंडा से हम लोग दो बार जीते हैं और हम इस बार नक्सा को भी जीतेंगे। काफी समय हो चुका है इसलिए मैं सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए मैं दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई देता हूँ। माँ दुर्गा सबको शक्ति दे। या देवी सर्ग भूतेषु सशक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः नमस्तस्य नमो नमः। जय दुर्जन मंडल जी, जो हमारे गार्जियन भी हैं, उन्हीं के पुत्र आदरणीय धनीधर मंडल जी भाजपा नेता, बड़े भाई काजल नाग जी, चेयरमैन डब्लू गौरी जी जिनके लिए यह कार्यक्रम है, उनकी पत्नी श्रीमती अपर्णा दीदी जी, और इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए तमाम श्रद्धालुओं को कोटि कोटि आभार धन्यवाद। बड़े ही दुख की बात है कि जो भी निर्सा के लिए सोचता है ऐसे व्यक्ति को हत्या करके सुला दिया जाता है। सुशांत सेन गुप्ता, संजय सेन गुप्ता, डीडी पाल जी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन एक एक इंसान के बीच में, एक एक इंसान के दिल में, रोम रोम में उनके लिए जगह है। मैडम आप मंत्री रह चुकी है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज भी आपसे ज्यादा सुशांत सिंह गुप्ता लोगों के बीच लोकप्रिय है। ताली नहीं बजाना चाहिए श्रद्धांजलि सभा, सॉरी। तो इतना उन्हें जनता चाहती है, इतना उन्हें जनता मानती है, उनके लिए लोग अपने आप यहाँ पर पहुंचे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए भी लड़ाई लड़ा है उस इंसान का नाम सुशांत सेन गुप्ता था। आज दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा के दिन माँ दुर्गा का देन होता है सिंदूर, और अगर किसी महिला के किसी औरत का मांग से सिंदूर उड़ जाता है तो सभी लोग समझ सकता है कि उस इंसान पर क्या बीतता है। हम आपका हमदर्द तो बन सकते हैं मैडम, लेकिन आपका दुख नहीं ले सकते हैं, इसलिए ज्यादा बात हम नहीं बोलेंगे, एक ही लाइन बोलेंगे कि दुर्गा पूजा का दिन है, माँ दुर्गा का रूप धारण करिए और ऐसे असुरों का, ऐसे राक्षस का, ऐसे हत्यारे का ऊपर चढ़ करके और आप त्रिशूल लेकर उसका वध करिए, तभी निर्सा में हम लोगों को शांति मिलेगा। हमारा शांति भारतीय जनता पार्टी का कमर खिलने से नहीं, सुशांत सिंह गुप्ता का हत्यारा को फांसी मिलने से हमें शांति मिलेगा। कमल फूल तो 2019 में रखा हुआ है, किसकी औकात है जो इस बार हमसे कमल फूल छीन ले, हम कमल फूल खिला के रहेंगे। ये आज सुशांत सिंह गुप्ता की श्रद्धांजलि सभा में अनिता गोराई वचन देती है, निर्सा से कमल फूल रांची तक जाएगा और आप सभी के माध्यम से जाएगा। धन्यवाद।
श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित शहीद सुशांत सेन गुप्ता की धर्मपत्नी अपर्णा सेन गुप्ता जी, हमारे इस क्षेत्र के जाने माने हस्ती काजल नाग जी, धरतीधर मंडल जी, चितकुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष दब्दु भाजी जी, मुखिया अनिता गोराय जी और सभी भाइयों बहनों, देखिए श्रद्धांजलि सभा है। अभी शारदीय उत्सव चल रहा है, आज का षष्ठी का दिन, तो शारदीय उत्सव का मैं आप सबको शुभेच्छा प्रेषित करता हूँ। इस दुर्गा पूजा में सब स्वस्थ रहे, सब दीर्घायु रहे। ये जीवन रूपी संघर्ष का जो गाड़ी है, इसे सुख दुख अच्छा बुरा को लेके चलना पड़ता है। सुख दुख जीवन में अगर हम सुख का भागीदारी हैं तो भगवान कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख भी हमें झेलने के लिए देते हैं, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि इस दिन सुशांत जी का हत्या हुआ, आज 5 अक्टूबर को इसी जगह है, सोच सकते हैं उस दिन क्या हुआ होगा। सिर्फ हमें, हमारा परिवार को ही नहीं, पूरा निरसा विधानसभा, जो उनका परिवार, सुशांत जी का जो परिवार, निरसा विधानसभा का जनता का घर में उस दिन खाना तक नहीं बना था। ये उनका जो घर घर में वो एक अपनापन बना लिए थे, ये आज देखने को मिला। तो सही में आज ज्यादा कुछ नहीं बोल के, और हमारे मंच में तमाम पत्रकार साथी आए हुए हैं और उन्हें भी धन्यवाद देंगे कि आप भी बहुत समय से यहाँ बैठे हुए हैं, एक एक चीज सुन रहे हैं, दिख रहे हैं, इसे हम तमाम पत्रकार साथी को धन्यवाद देंगे। साथ ही साथ हमारे झरिया से विधायक भी आए हुए हैं, कुंचन मंडल जी, जो हमें हमारे अभिभावक हैं। हम जब जब किसी परिस्थिति में हमें लगता है कि उनका मार्गदर्शन मिले, हमको मिलता है। और साथ ही रांची से काजल प्रधान जी आई हुई है, जो महिला मोर्चा के राज्य महामंत्री हैं, और उन्हें भी धन्यवाद देंगे कि सुशांत जी का नाम जब वो सुने तो उनका भी लगा कि ये जमीन से जुड़ा हुआ इस संघर्ष को झेलते हुए इंसा विधानसभा में किस तरह से एक बट वृक्ष के तहत सुशांत जी शीतल प्रदान कर रहे थे इस क्षेत्र में, और सब जनता उनका शीतलता में उनका सामने सब जुड़ रहे थे। तो हम काजल प्रधान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप भी मतलब रांची से चल के आई हैं प्रिय दादा सुशांत दा को फूल देने के लिए। साथ ही साथ अनिता जी आई हैं, वो भी हर प्रोग्राम में आती है, शहीद सुशांत जी के विषय में बहुत सारा बात रखी, बहुत अच्छा से रखी। हमारे बामापद बावरी जी, जो मतलब सुशांत जी का समय से एक साथ खाना पीना बैठना उठना, कहाँ जाना है, कैसे चलना है, इस तरह से क्या करना है, हम देखे हैं बामापद बावरी जी को कि एक साथ सुशांत जी के साथ भाई के तरह से कदम मिला के चलते हैं। धन्यवाद बामापद बावरी जी, आप भी आए हुए हैं, और सुशांत जी संजय डीडीपाल जी को आप श्रद्धा सुमन कर रहे हैं। साथ ही साथ काजल नाथ जी, ये भी बहुत अच्छा से बात को रखे सुशांत जी के विषय में कि सुशांत जी आज शहीद नहीं हुए, मरे नहीं है,
वो हमारे घर घर में सुशांत तो तैयार हो गया है। सही में ये आज जो जन सैलाब दिखाए आप, ये दुर्गा पूजा के समय में आप लोगों ने जो जन सैलाब, आज सप्तमी पूजा है और सप्तमी पूजा के दिन हमारे गांव घर की महिला तमाम सब संजत बार बोलता है, संजत करता है और सुबह से संजत करते हुए सुबह सुबह उठ के खाना वाना बना के खा के और महिला लोग सब निकली। आप इससे पता चलता है सुशांत को जा को आज तक कोई भूला है और न भूलेगा, सुशांत को जी घर घर में है। साथ ही साथ डब्लू बावरी जी भी इतना अच्छा से बात रखे कि मतलब विस्तार से यहाँ का विकास के लिए नगर तिरकुंडा नगर निगम विकास के लिए जो वो बात रखे और सही डब्लू बावरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए डब्लू बावरी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप हमारे मांगाराम जी आए हुए हैं, ये भी बहुत एक्टिव रहते हैं और बहुत मतलब काम करते हैं और हर प्रोग्राम में आते हैं। साथ ही साथ अभी हमारे झरिया के विधायक संजीव सिंह जी के धर्म पत्नी रागिनी जी आई हैं, हम इस मंच से रागिनी जी का भी स्वागत करते हैं कि रागिनी जी आप आइए और सही सुशांतो जी संजय डीडी पाल जी को फूल दीजिए और पुष्पांजलि फूल दीजिए और तमाम जो यहाँ आए हुए हैं हमारे फूल दे दीजिए। हमारे ECL और BCCL से हमारा नेतृत्व आए हुए हैं, हम तमाम ECL और BCCL से आए हमारे नेतृत्व को हम बहुत बहुत मतलब धन्यवाद देंगे कि आप लोग भी बहुत बहुत अच्छा से बात को रखें। तो हम क्योंकि 2 से 4 बजे का समय था, समय हमारा अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं, इसलिए अभी अभी रागिनी जी आई है और सुशांतो जी संजय डीडी पाल जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित की। तो तमाम हमारे आए जितना भी यहाँ भाई बहने हैं, कार्यकर्ता साथी हैं, सबको हम बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ये बात कि सुशांतो जी का जो अधूरा सपना, सुशांतो जी जिस तरह से इस क्षेत्र के लिए जो सपना देखे थे कि यहाँ गरीब शोषित जनता को हक अधिकार दिलाएंगे, साथ ही साथ उनका जिस तरह से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, आज ये जन सैलाब के माध्यम से देखने को मिला कि आज घर घर में सुशांतो तैयार है। कोई बोलता है सुशांतो जी का हत्या होता है, नहीं, सुशांतो जी घर घर में तैयार है, ये आज जन सैलाब के बीच से देखने को मिला। आज हमें संकल्प लेना है, हमारे यहाँ इस विधानसभा से तो कमल खिलेगा ही, पूर्वक्ता ने जो बताए कमल तो खिलना सुनिश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि घर घर में आज जो विकास पहुंच रहा है, घर घर में जो आज काम हो रहा है, ये तो सुनिश्चित है कमल खिलना है। लेकिन उसके आज श्रद्धांजलि सभा में हमें एक संकल्प और लेना है, जो हत्यारा हत्या किया है, माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं, माता रानी से हम दुआ करते हैं कि हे माँ कि ये जैन सैलाब देखना चाह रहा है कि सुशांत सेन गुप्ता संजय डीडी पाल का हत्या कौन किया है, माँ उसे जल्द से जल्द सजा दें, हम लोग जैसा देख सके जो हत्यारा, क्योंकि ये CBI जांच हुआ है, CBI जांच में क्लियर हो चुका है और हम लोग देखना चाहते हैं जो इसका मास्टरमाइंड कौन है और ये मास्टरमाइंड को, क्योंकि ये माँ दुर्गा शक्ति का स्वरूप माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा सब जानती है कि कौन हत्या किया है, इसलिए हम माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे जनप्रिय नेता, इस क्षेत्र का घर घर का नेता, इस क्षेत्र का जनप्रिय नेता को कौन
किया है, किसने हत्या किया है। माँ ओम पापी असुर को जल्द से जल्द बंद करने का काम करें, ये हम माँ से आशीर्वाद मांगते हैं। उस असुर रूपी शक्ति को जल्द से जल्द समाप्त करने का माँ आप इसको जनता के बीच दिखाएं कि कौन हो असुर रूपी शक्ति है, उसे खत्म करने का काम करें। क्योंकि ये श्रद्धांजलि सभा है, समय 2 से 4 बजे तक का था। आप लोग बहुत मेहनत करके राज ग्राउंड पोता दिल्ली से चलते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। समय को देखते हुए अब हम ज्यादा कुछ नहीं बोल के हम अपना बात समाप्त करते हैं। और समय हो गया है, इसलिए फिर एक बार हम आप लोग तमाम हमारे भाई बहन को, कार्यकर्ता साथी को धन्यवाद देती हूँ। और समय को देखते हुए हम सभाएं ही समाप्त करती हूँ। आज ने जो आप प्रोग्राम में जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। आज उनके सभाजी सभा में शामिल होकर मैं अपने ऐसे आदमी क्या श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो पूरे नेता बहुत अच्छे इंसान श्रद्धांजलि, इसमें इसी जगह सुशांत जी का 5 अक्टूबर का हत्या हुआ था। हत्या कौन किया है ये स्पष्ट मेरे साथ है, लेकिन हम लोग बार बार नहीं करेंगे। दुर्गा पूजा का समय है, माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ से आशीर्वाद लेते हैं। ये माँ जो सुशांत जी का हत्या किया है, जो संजय डीडी पाल का हत्या किया है, वो हत्यारा को जल्द से जल्द फांसी का सजा हो, ये तमाम हिस्सा विधानसभा का देख रही जनता देखना चाह रहा है। और हमें विश्वास है CBI जांच चल रही है, ये एजेंसी पर विश्वास है, ये कार्रवाई होगा और सजा होगा। साथ ही साथ आज का जो दुर्गा पूजा के समय ये जन सैलाब जो देखने को मिला, सुशांत जी का मतलब भूल देने के लिए ये जन सैलाब, इससे पता चला कि सुशांत जी आज घर घर में सुशांत तैयार हो गया है और उनका जो अधूरा सपना वो सपना को पूरा करने के लिए सब तैयार है। आज के प्रोग्राम में जो आपने पार्टिसिपेट किया, कैसा लगा? क्या उद्देश्य था, क्या मैसेज था? कैसा लगा, ये तो एक श्रद्धांजलि सभा है। दुर्भाग्य की बात ये है कि हमने सुशांत सिंह गुप्ता जी को, स्वर्गीय सुशांत सिंह गुप्ता जी को देखा था, उसी साल हमारी शादी हुई थी और उसी दौरान हमने सुना कि उनकी हत्या हो। और आज जो श्रद्धांजलि सभा है, आज मुझे लगता है शायद 16 या 17 श्रद्धांजलि सभा है, 18वां श्रद्धांजलि सभा है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही इच्छा है कि जिसने जनता के बीच रहा, जो जनता के नेता थे, जिन्होंने जमीन से जुड़ा हुआ काम किया, जिन्होंने जनता के लिए सोचा, जल जमीन जंगल क्या नहीं किया उन्होंने, लड़ाई लड़ा, तो मैं चाहती हूँ कि माँ दुर्गा एक ऐसा अपर्णा जी को शक्ति दे, उनकी पत्नी को जो पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं, जो उनके हत्यारे को फांसी से बढ़कर अगर कोई सजा हो तो वो दिलाएं। क्योंकि सुशांत सिंह गुप्ता जनता के नेता थे और आज जो वो चले गए 18 साल तक हमने निरसा में जनता का नेता नहीं पाया। आने वाला दुर्गापुर पूजा हम देख रहे हैं, इसके लिए कोई मैसेज दे दें आप पब्लिक? नहीं, दुर्गा पूजा है, दीपावली है और छठ पूजा है, इसलिए मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। पूरा परिवार, पूरे देशवासी अपने परिवार के साथ में दुर्गा पूजा देखने जाएं, घूमें, आनंद लें और मिलजुल कर रहें, इसलिए भाईचारा का संदेश देना चाहूँगी कि सभी जाति के लोग मिलजुल कर इस पूजा को, पूजा का आनंद। आपका नाम? अनिता गोरा, निरसा से पाथरकुआ पंचायत के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति।